वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बेशक मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, न हम गर्मी की वजह से ये महफिल छोड़ सकते हैं, न सर्दी की वजह से महफिल छोड़ सकते हैं। मौसम के बदलने से हम महफिलें नहीं छोड़ते। हमारे इमाम ने कहा था, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इमाम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक सिमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जबा मुझे बोलो, रजा की जबा तुम्हारे लिए। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाहु अकबर कबीरा, मौलाना रूम फरमाते हैं, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी वो है जिसमें इबादत हो, बगैर बंदगी के जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। अगर जिंदगी को बावकार बनाना चाहते हो, अगर जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, तो नमाजें पढ़ो, इबादत करो, इबादत करने से जिंदगी कामयाब होती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो अल्लाह की ज्यादा इबादत करता है, जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कामयाब किस इंसान को कहते हो? तो आप कहोगे, मौलाना हमारी नजर में कामयाब वो है जिसके पास चलने के लिए मर्सिडीज गाड़ी हो, अल्लाह अकबर, जिसके पास अच्छा और बड़ा मकान हो, जिसके पास दौलत और पैसा हो, वो कामयाब है। मैं कहता हूँ, तुम दौलत वाले को कामयाब कहते हो, मर्सिडीज गाड़ी वाले को कामयाब कहते हो, आईफोन चलाने वाले को कामयाब कहते हो, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह फरमाता है, कामयाब मेरे बंदों में वो है जो मुझसे ज्यादा डरता है, जो नमाजें पढ़ता है वो कामयाब है, जो कुरान पढ़ता है वो कामयाब। बेशक सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश्शरिया, मुफ्ती नाजिम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बात याद रखना, जिस तरह जिंदगी के लिए ये तीन चीजें होना बड़ा लाजमी जरूरी है, कंपलसरी, यानी पैसा होना बड़ा जरूरी है, गाड़ी का होना जरूरी है, मकान का होना जरूरी है, जिस तरह जिंदगी में मकान के बगैर गुजारा नहीं, पैसे के बगैर गुजारा नहीं, गाड़ी के बगैर गुजारा नहीं, इसी तरह आखिरत में खुदा की कसम, नमाजों के बगैर गुजारा नहीं होगा, कुरान की तिलावत के बगैर गुजारा नहीं होगा। बेशक खबरदार, दिलों को सुकून, दिलों को करार अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक सुभानअल्लाह, आज चौपालों पर, तिराहों पर गपशप करने वालों,
और यहाँ से दिल्ली तक का हिसाब लगाने वालों हालात बहुत खराब हो गए, हालात बहुत खराब हो गए, उसका बदलना बड़ा जरूरी है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, तुम कहते हो हालात नहीं बदलेंगे, मैं कहता हूँ तुम अपने आप को बदल लो। सुभान अल्लाह, तुम अपने आप को बदल लो, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। सुभान अल्लाह, तुम हुजूर के हो जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने दो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। बेशक सुभान अल्लाह, मेरे नबी फरमाते हैं तू अल्लाह का हो के देख तो सही, खुदाई तेरी हो जाए। सुभान अल्लाह, मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत उमर आदि दुनिया के मालिक थे, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे, फटा हुआ लिबास पहनते थे, 18 या 17 पैबंद आपके लिबास में थे, रोब और दबदबे का आलम ये था, शेर और बकरी एक घाट से पानी पिया करते थे। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम जब सोते थे तो उम्दा गद्दा नहीं होता था, बल्कि अल्लाह अकबर जमीन पे लेट जाया करते थे, रेतली जमीन पे आप अल्लाह अकबर लेट जाया करते थे, सर के नीचे तकिया नहीं होता था, कच्ची ईंट रखी होती थी। हजरत उमर इब्न खत्ताब सो रहे हैं, तारीख बताती है खुदा की कसम, एक यहूदी भाई बैठ जाओ यार सुन लो, क्यों अफरा तफरी कर रहे हो, कहां जा रहे हो? मैंने कहा ना ये गर्मी कब्र की गर्मी को मारेगी, कोई नहीं बचाने वाला होगा कब्र में मेरे भाई, बंद कोठरी होगी और ऐसे में इंतकाल कर दिया जाए तो बताओ कौन बचाएगा? हुजूर बचाएंगे, आमना के लाल बचाएंगे, वो आएंगे कब्र में जन्नत की खिड़की खुलेगी। किसके लिए खुलेगी? जो उनका वफादार होगा, गद्दार के लिए नहीं खुलेगी, वफादार के लिए जन्नत की खिड़की उस कब्र में खुलेगी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर सो रहे हैं, मुल्क के शाम से एक यहूदी आया, हाथ में तलवार है, कत्ल करने आया था उमर इबन खत्ताब फारूक आजम को। अजीजान मिल्लत इस्लाम, यहाँ खुदा जिसकी हिफाजत करे उसका कोई बाल भी पैकर नहीं कर सकता। उसने देखा कि हजरत उमर को कत्ल करना तो बड़ा आसान है, उसने हाथ से तलवार निकाली। उमर सो रहे हैं खजूर के दरख्त के नीचे, अल्लाह अकबर सर के नीचे एक कच्ची ईंट रखी हुई है तकिए की जगह, उसने तलवार निकाली। जैसे ही उमर फारूक आजम की गर्दन पे उसने हमला करना चाहा, सर को तन से जुदा करना चाहा, फौरन गैब से एक शेर नमूदार हुआ और वो उसको हमला करने के लिए बढ़ा, अल्लाह अकबर उसकी चीख निकली। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम बेदार हो गए, इरशाद फरमाते हैं बता क्या बात है? वो कहने लगा हजरत मैं मुल्क शाम से आपका कत्ल करने के लिए आया था और मैं आया नहीं हूं बल्कि अल्लाह अकबर यहूदियों ने मुझे भेजा है, सरदारों ने मुझे भेजा है, सरमायादारों ने मुझे भेजा है, मैं आपको कत्ल करने के लिए आया था। उमर कहते फिर कत्ल क्यों ना किया? रोने और डरने की वजह क्या है? तेरा जिस्म थर थर कांप रहा है। वो कहने लगा हजरत जैसा ही तलवार का तलवार को पकड़ के मैं आपका सर आपके तन से जुदा करने के लिए आगे को बढ़ा हूँ, गैब से एक शेर आया, मैं आपका सर तन से जुदा करना चाहता था, वो शेर मेरी तरफ बढ़ा और वो मुझ पे हमला करना चाहता था, वो मुझे लुकमय अचल बनाना चाहता था। अचानक मेरी चीखों पुकार निकल गई, अल्लाह अकबर कबीरा। उमर इबन खत्ताब फारूक आजम कहते हैं आधी दुनिया का आधी दुनिया पे अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम का झंडा लहराने वाला वो खत्ताब के बेटे उमर कहते हैं ओ नादान, वो शेर दही था बल्कि वो अल्लाह का फरिश्ता था जो उमर की हिफाजत के लिए अल्लाह ने भेजा था। वो कहने लगा ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है? उमर फारूक आजम ने कहा था कान खोल कर के सुन ले, मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। उसने इतना सुना था, कहा था उमर हाथ बढ़ा दो और कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान बना दो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने ताजुशरिया, मुफ्ती नाजिम रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ही उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कुछ जालिमों ने इस्लाम की छवि खराब करने की कोशिश की है, कुछ बेगैरत हमारी ही जमात में है, अपने आप को कायद कहते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा रहनुमा तसव्वुर करते हैं, अपने आप को सरबरा तस्लीम करते हैं मुसलमानों का। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इस्लाम की छवि बिगाड़ने की कोशिश की है, अल्लाह अकबर कबीरा, न खुद नमाज पढ़ते हैं और न अपने चाहने वालों से नमाज को कहते हैं, 10-10 अंगूठी अपने हाथों में पहने हुए हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसा लगता है पूरा बिसात खाना साथ साथ चल रहा है। ये उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो 4.5 माशा की एक नग वाली चांदी की अंगूठी मर्द को पहनना जायज है, सोने की अंगूठी पहनना जायज नहीं, एक के अलावा दूसरी अंगूठी पहनना जायज नहीं। इन लोगों ने इस्लाम की छवि को बिगाड़ने की कोशिश की है, इस्लाम या। लेकिन अल्लाह का करम बालाए करम है कि हुजूर सुहेल मिल्लत आपकी बस्ती में तशरीफ लाए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लाम या, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह अकबर दीन के वफादार हैं, अजीजान मिल्लत इस्लाम या शहजादे हुजूर गौसे आजम हैं, अजीजान मिल्लत इस्लाम या वो हुजूर सुहेल मिल्लत, जब आप उनका चेहरा देखेंगे तो अल्लाह अकबर आपको यकीन होगा, ये चेहरे झूठों के नहीं बल्कि ये चेहरे सच्चों के हैं। चेहरे बता देते हैं खुदा की कसम, अल्लाह वाले कौन होते हैं, रसूलुल्लाह वाले कौन होते हैं। अल्लज़ीना इज़ा रुज़िकल्लाह, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनका चेहरा देख के अल्लाह की याद आ जाती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की याद, अल्लाह वालों का चेहरा देख करके अल्लाह अल्लाह की याद अल्लाह वालों को देख करके आ जाया करती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, ऐसे पीरों का बायकॉट कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा जो नमाज की मुखालफत करते हैं, जो दीन की मुखालफत करते हैं, ऐसे पीरों का बायकॉट कीजिए। खुदा की कसम, ये ऐसे नेक पीर, ये सच्चे और अच्छे पीर बस्तियों में कभी कभी आते हैं, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्स के मौके पर हुजूर सुहेल मिल्लत आपकी बस्ती में आए हैं। ऐसे पीरों से मुरीद होना खुदा की कसम ये खुशकिस्मती है, ऐसे पीरों के हाथ में हाथ देना ये खुशबख्ती है। अगर कोई किसी का मुरीद है तो ऐसे पीरों के हाथ पे तालिब होना भी खुशबख्ती है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दीन को समझिए, दीन पर चलिए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुदा कुरान मजीद में फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी जातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। हदीस पाक सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुरु औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबई सिनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दीजिए जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं। वद्रिबूहुम अलैहा, अपने बच्चों को मार करके नमाज पढ़वाइए। अल्लाह अकबर कबीरा, वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, तो अब रियायत मत कीजिए, जरा यज़रिब की गर्दान कीजिए, अपने बच्चों को डांटिए, जजरो तौबीख से काम लीजिए, डांट डपट कर अपने बच्चों को नमाज पढ़वाइए। वफरिकू बैनहुम फिल मदाजी, अल्लाह ने वसअत दी है बालिग लड़का और अल्लाह अकबर बालिगा बेटी, दोनों बच्चों का बिस्तर अलग अलग करा दीजिए। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। खुदा की कसम, माँ को चाहिए अपनी बेटी को अपने साथ में नमाज पढ़वाए, बाप को चाहिए अपने बच्चे को नमाज सिखाए, अपने बेटे को नमाज सिखाए। लेकिन वो बाप अपने बच्चे से नमाज के लिए कैसे बोलेगा, जो ईद बकरीद की खुद नमाज पढ़ता है, जुमे जुमे से काम चलाता है, वो माँ अल्लाह अकबर कबीरा जो फजर नहीं पढ़ती, जोहर नहीं पढ़ती, असर नहीं पढ़ती, मगरिब नहीं पढ़ती, ईशा नहीं पढ़ती, अल्लाह अकबर जुमे जुमे की पढ़ती है, उसकी बेटी पंजगाना नमाज कैसे पढ़ेगी। आप इन औरतों को देख लीजिए, अगर होड़ भी करती हैं, कॉम्पिटिशन भी करती हैं, तो कपड़ों में कॉम्पिटिशन करती हैं, मेकअप में कॉम्पिटिशन करती हैं। खुदा की कसम, अपने
शोहरों को परेशान करने वाली औरतें, मैं उनसे कहना चाहता हूँ शोहर की आमदनी 500 रुपए की है, ये लेकिन सूट लेकर के आती है 2000 रुपए का, ये सूट लेकर के आती है 2500 रुपए का। मेरे नबी फरमाते हैं अच्छी औरत की पहचान, अच्छी औरत की अलामत, अच्छी औरत की निशानी ये है जो अपने शोहर की आमदनी के मुताबिक खर्चा करती है। जो शोहर की आमदनी के मुताबिक खर्चा नहीं करती, आमदनी कम हो, इनकम कम हो, खर्चे उसके ज्यादा हो, वह औरत अच्छी नहीं है। अच्छी औरत की निशानी ये है जो शोहर की आमदनी के मुताबिक खर्चा किया करती है। सुभानअल्लाह, बेशक सुभानअल्लाह। परेशान मुकाबले होड़े अगर होती हैं तो मेकअप पे होती हैं। खुदा की कसम आज शादी को देख लो मुसलमानों की, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसा लगता है कि मुसलमान अपनी रविश को भूल गए हैं। ना समलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्तानों में, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आला हजरत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ, ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ। अगर कामयाबी चाहते हो मस्जिदों को आबाद कर दो, अगर तुमने मस्जिदों को आबाद ना किया तो जालिम हुक्मरान तुम्हें यके बाद दीगरे मुसल्लत होते रहेंगे। क्या समझते हो जालिम हाकिम है, उसके जाने के बाद अल्लाह अकबर कबीरा, अगर हम ना संभले तो उससे ज्यादा जालिम हाकिम मुसल्लत हो जाएगा। खुदा की कसम तुम अल्लाह के दीन के वफादार हो जाओ, तुम पे जालिम हुक्मरान नहीं बल्कि तुम पे अच्छे अच्छे रहनुमा मुसल्लत हो जाए। बेशक सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्ता दो। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरा हुक्म देता है इसी आयत करीमा में, वबिल वालिदैन इहसान, अपने बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, अपनी माँ के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। जवानों जिंदगी एक मर्तबा मिलती है, बड़ी अनमोल जिंदगी है, बड़ा अनमोल जीवन है। इस जिंदगी को बर्बादी के साथ मत गुजारो। जिंदगी एक मर्तबा मिलती है, तोबा की तोबा करो। जो तुमने खुदा के घर को वीरान किया है इसे आबाद कर दो। तुम खुदा के घर को आबाद करोगे, खुदा तुम्हारी नस्लों को आबाद कर देगा। बेशक सुभानअल्लाह। सजदे छोड़ छोड़ के न जाने कहां कहां तुम जाके माफिया मांगते हो, न जाने तुम कहां कहां झुकते हो। और खुदा की बारगाह में झुक के देखो, खुदा की रहमत तुम्हें उठाएगी। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं ये एक सजदा जिसे तो किरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। बेशक नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे सैयद सुहेले मिल्लत, आमदे सैयद सुहेले मिल्लत, आमदे सैयद सुहेले मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, फैजाने आला हजरत, जिसने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस उर्से हबीबुल औलिया, फैजाने सुहेले मिल्लत, फैजाने सुहेले मिल्लत, आमदे सुहेले मिल्लत, आमदे सुहेले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुहेले मिल्लत मद्दज़ुल्लुहुल आली व नूरानी तशरीफ फरमा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ऐसे मौके कभी कभी आते हैं जो अभी तक किसी से बैत ना हुए हैं तो आज मुरीद हो जाएं, बड़ा अच्छा मौका है। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा मौका है। ये औलादे रसूल है, जी जी औलादे रसूल है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो हमारे भाई खड़े हैं वो आप बैठ जाएं, अब इंतजार की सारी घड़ियां खत्म हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, जब हम हदीस के टुकड़े पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है। औलादे रसूल का चेहरा, हुजूर सुहेले मिल्लत का चेहरा आपकी निगाहों के सामने है, और मुझसे सुनिए इंशाल्लाह मजा आएगा। मेरे नबी फरमाते हैं मम माता अला हुब्बी आली मोहम्मद
माता शहीदन। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जो मेरी आल की मोहब्बत में दुनिया से गया वो शहीद होकर के गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो शहीद होकर के गया। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जा रहा हूँ सहाबा, तुम में दो भारी गिरा कदर वजनी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। एक मेरी अहले बैत है, मेरे घर वाले हैं, दूसरा कुरान है। इन दोनों को मजबूती के साथ पकड़े रहना, कभी गुमराह ना हो सकोगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और मचल के कह दो या रसूल अल्लाह, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसे पुरफितन वक्त में माहौल में पुर आशोब माहौल में हुजूर सुहेल मिल्लत को कमेटी वालों ने, इन उलमा ने आपको रूबरू करा करके आप पे एहसान किया है। बस वो सारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जिन जिन हजरात ने हजरत को अपनी इस बस्ती में बुलाने में कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, अल्लाह तमाम की कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए, बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। अब जरा तेजी के साथ सुन लीजिए हजरात, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदो मेरी इबादत करो और अल्लाह की जातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। वह बिल वालिदैन एहसाना, अपने बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, अपनी माँ के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मुनव्वर राना बहुत पहले ये कहकर के चले गए हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तनहा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। माँ की शान क्या है मेरे पैगंबर से पूछो, बाप की अजमत क्या है मेरे पैगंबर से पूछो। आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे उम्मतियों, जिस जन्नत की तलाश में तुम फिरते हो वो जन्नत कहीं और नहीं, अल जन्नत तहत अक्दामिल उम्महात, जन्नत तो माओ के कदमों के नीचे है। माँ को अल्लाह अकबर आम मत समझना, माँ तेरे लिए खास है, तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। और बाप को भी हल्के में मत लेना, मेरे आका फरमाते हैं माँ के कदमों में जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। हुजूर फरमाते रिजल रब्बी फी रिजल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। यानी अगर बाप राजी है तो अर्श का रहमान राजी है। मुसलमानों में आपसे पैगाम, आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, आपको ये अल्लाह अकबर पैगाम देना चाहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे अल्लाह अकबर यहूदो नसारा वाली जो खराबियाँ थी वो मुस्लिम समाज में आ चुकी हैं। जरूरत है इस्लाह मुआशरा, जरूरत है उन खराबियों को आज हमारे मुआशरे से दूर कर दे की उनको दूर किया जाए, हमारे मुआशरे से उनको फेंक दिया जाए, निकाल दिया जाए। कल तक यहूदो नसारा जब उनके माँ बाप बूढ़े होते थे उनको ओल्ड हाउस में वो छोड़ करके आते थे, आज मुसलमान अपने माँ बाप को भी घर से निकालते हैं, ओल्ड हाउस में छोड़ करके आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, वो माँ जिसने 9 महीना अपने बेटे को पेट के अंदर रखा, आज वही माँ जब बूढ़ी हो गई है तो इस बेटे पर बोझ बन गई है, इस बेटे से अपनी माँ को रोटी नहीं दी जा रही है, इस बेटे से अपने बाप की कदर नहीं हो रही है, न बाप को सहारा देने तैयार है न माँ को सहारा देना तैयार है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिसने भी अपनी माँ को धक्के दिए हैं वजह एक है, या तो बच्चों की वजह से घर से निकाला है या बीबी की वजह से घर से निकाला है। आज बीबी की मोहब्बत में दीवाना दीवाने होने वाले और बीबी की मोहब्बत के अल्लाह अकबर नशे नशे में जाने वाले, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ आज बीबी की मोहब्बत में आकर के माँ को दूर कर रहा है, बच्चों की मोहब्बत में आकर के माँ को दूर कर रहा है। कल जब तेरी औलाद खुदा की कसम तुझे दूर करेगी तो तुझे एहसास होगा काश मैंने अपनी माँ को दूर ना किया होता बल्कि माँ के कदमों को चूमा होता, मैंने अपने बाप को अपने आप से दूर ना किया होता अपने बाप के हाथों को चूमा होता। जिनके बाप जिंदा है उन्हें एहसास नहीं है बाप क्या होता है, लेकिन जिनके बाप का साया सरों पे नहीं अलसीसाने मिल्लत इस्लामिया उन्हें एहसास होता है बाप कितना बड़ा साया है। बाप जब हाथ उठा करके दुआ करता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं एक तो मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही एक अल्लाह अकबर कबीरा
बाप की दुआ औलाद के हक में भी रद्द नहीं होती। जब बाप हाथ उठा करके दुआ करता है, या अल्लाह मेरे बेटे की परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह मेरे बेटे के लिए आसानियां कर दे, खुदा की कसम बाप के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आते हैं, उसके बेटे की परेशानी को दूर पहले कर दिया जाता है। इसलिए कि मैं नहीं कहता, मेरे नबी फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ भी रद्द नहीं होती और बाप की दुआ औलाद के हक में भी रद्द नहीं होती। बाप क्या है, उस दिन एहसास होगा जब बाप का साया सर से उठ जाएगा और बाप को बाप से मुलाकात करने के लिए तुम्हें उसकी कब्र पे जाना पड़ेगा, तो एहसास होगा काश हम बाप के कदमों में बैठे होते, अपने बाप के हाथों को चूमा होता, काश हमने अपने बाप की खिदमत की होती। अज़ीज़ान मिल्लत-ए-इस्लामिया, मैं पूछना चाहता हूँ, जिस बीबी की मोहब्बत में तू अपनी माँ को दूर कर रहा है, बीबी की मोहब्बत का नशा तुझ पे सर चढ़ के बोल रहा है, ओ दीवाने ओ पगले, अल्लाह अकबर, एहसास कर ले, खुदा की कसम तेरी बीबी ने तुझसे उस वक्त मोहब्बत की है जब तू कामयाब था, तू कामयाब था, तेरी इनकम अच्छी थी, मंथली अल्लाह अकबर सैलरी तेरी बहुत अच्छी आती थी, तेरे पास पैसा था, अच्छा मकान था, चलने के लिए सवारी अच्छी थी, तेरी बीबी ने तुझसे मोहब्बत की है। वरना जब रिश्ता जाता है और अल्लाह अकबर लड़का निखट्टू होता है, उसके आमदनी का उसका कोई जरिया नहीं होता, लड़की भी इनकार कर देती है, ये नहीं चलेगा, ये मेरे अखराजात कैसे बर्दाश्त करेगा। कान खोल करके सुन लो, बीबियां उस वक्त प्यार करते हैं जब तुम कामयाब होते हो, और जिस माँ को अपने आप से दूर कर रहे हो, जिस माँ को धक्के दे रहे हो, और खुदा की कसम तुम्हारी माँ ने तुमसे उस वक्त प्यार किया है जब तुम बिल्कुल बेकार थे, तुम चल नहीं सकते थे, तुम उठ नहीं सकते थे, ओ खुदा की कसम ये माँ है माँ, इसने पहले तो तुम्हें 9 महीना अपने पेट के अंदर रखा, फिर जब तुम पैदा हुए कितनी तकलीफ होती है माँ को, से खुदा की कसम मेरे पैगंबर के दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, एक सहाबी आका की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठा करके बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करवाया है, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? आका इरशाद फरमाते हैं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी माजी दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा बचपन दिखाऊं, आओ मैं तुमको तुम्हारे अय्याम तुफूलियत दिखाओ, जब तुम बच्चे थे बच्चे, अपनी माँ की गोद में थे गोद में, तुम माँ का दूध पीते थे माँ का दूध, तो सर्दी की लंबी रातों में जब तुमने एक रात पेशाब किया था, सारा बिस्तर गीला कर दिया था, सारा बिस्तर नापाक कर दिया था, तुम्हारी माँ ने उस बिस्तर को पाक किया, और जब बिस्तर पाक किया तो वो बिस्तर मजीद गीला हो गया, तो तुम्हारी माँ उस गीले बिस्तर पे सो गई और तुम्हें अपने सीने पे सुला लिया, बेटे को सर्दी ना हो जाए, बेटे को ठंड ना लग जाए, वो तुम्हारी माँ गीले बिस्तर पे सोती रही, तुम्हें अपने सीने पे सुलाती रही। आका फरमाते हैं, मेरे गुलाम, तुमने माँ को कांधों पे बिठा करके जो तवाफ कराया है, कहते हो माँ का हक अदा कर लिया, अभी तो तुमने उस रात का भी हक अदा किया है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे गीले किए बिस्तर पे खुद सोई थी और तुम्हें पूरी रात अपने ऊपर सुलाया था, सीने पे लिटाया था। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। हुजूर एक मसला बता दीजिए, बीबी कहती या तुम माँ की खिदमत करो या मुझे रखो, एक को रखो, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हूँ ना, इधर हूँ ना उधर हूँ, किसको छोड़ू? अबे नादान, सोचने वाली बात है, एक नहीं जितनी हसीन तेरी, उसने जमाल की मलका भी है, लात मार दे, छोड़ दे, बीबी के बाद दूसरी बीबी मिलेगी, क्या माँ के बाद भी दूसरी माँ मिलेगी? इसमें भी सोच विचार कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, दुनिया छोड़ देना, माँ को मत छोड़ना, दुनिया छोड़ देना, वालिदैन को मत छोड़ना, और कान खोल करके सुन लो, शिकवे करते हो मेरी बीबी मेरी माँ की खिदमत नहीं करती, मेरी बीबी मेरे बाप की खिदमत नहीं करती, और नादान तेरी बीबी पर तेरे
माँ बाप की खिदमत फर्ज नहीं है, तेरे माँ बाप पे अल्लाह अकबर तेरे माँ बाप की खिदमत तेरी बीबी पे नहीं तुझ पे फर्ज है, तू अपने माँ बाप की खिदमत कर। हाँ अगर तेरी बीबी तेरे माँ बाप की खिदमत कर रही है अल्लाह अकबर कबीरा तो इस खिदमत से जो है ना इसकी नस्लें सबर जाएंगी, अल्लाह इसे बेहतरीन जजा अता फरमाएगा। लेकिन कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी बीबी पे तुम्हारे माँ बाप की खिदमत नहीं बल्कि तुम पे तुम्हारे माँ बाप की खिदमत है, तुम अपने माँ बाप की खिदमत किया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। और इन खवातीन से भी कहना चाहता हूँ, आज जो तुम अपने शोहर को उसके माँ बाप से दूर करवाती हो ना, उसकी माँ से उसे दूर करवाने के लिए कोशिश करती हो, उससे उसके बाप से दूर कराने के लिए कोशिश करती हो, और जब वो दूर हो जाता है, जब माँ बाप को धक्के दे करके निकाल देता, बड़ी खुश होती हो ना तुम, तुम्हारे अल्लाह अकबर तुम्हें जो ना खुशी के लड्डू फूटते हैं ना, इसका तुम्हें एहसास उस दिन होगा जब एक दिन तुम्हारे बेटे की शादी होगी और तेरी भी घर में अल्लाह अकबर जब बहू आएगी, तेरे बेटे की दुल्हन आएगी, जब वो तेरे घर में आएगी और वो तेरे बेटे को तुझसे दूर करेगी ना, तो तुझे एहसास होगा, काश मैं अपने शोहर को अपनी सास से दूर न करती तो मेरी बहू मेरे बेटे को मुझसे दूर न करती। कमा तदिल्लु तुदान, जैसी करनी वैसी भर दी। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर चाहती हो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी खिदमत करें तो तुम अपने सास ससुर की खिदमत करो, अपने शोहर को इस चीज पे उभारो कि वो तुम्हारा शोहर तुम्हारे अल्लाह अकबर सास ससुर की खिदमत करे। और सास ससुर को सिर्फ सास ससुर ना समझो, सास को माँ का दर्जा दे दो, ससुर को बाप का दर्जा दे दो। अल्लाह अकबर तुम जब ससुर को बाप का दर्जा दोगी, माँ अल्लाह अकबर सास को माँ का दर्जा दोगी, तो उस तरफ से तुम्हें सास की तरफ से माँ का प्यार मिलेगा, ससुर की तरफ से तुम्हें बाप का प्यार मिलेगा, बाप का प्यार मिलेगा। असी जाने मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था यहूदो नसारा वाली खराबियां, आज कौम मुस्लिम हमारे समाज में भी आ चुकी है। कल तक वो अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ के आते थे, आज एक मुसलमान अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ करके आ रहा है। एक नौजवान अपनी माँ को लेता है और घर से निकालने के बाद ओल्ड हाउस में छोड़ता है। इंतजामिया को कहता है, मेरी माँ का जब आखिरी टाइम हो मुझे इत्तला करना, मुझे अपने आबाई वतन में मैंने अपनी माँ की तदफीन कर दी है। अल्लाह अकबर, उसकी माँ ओल्ड हाउस में रही, उसके बच्चे घर में रहे, उसकी बीवी घर में रही। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिस माँ का घर तो उसे निकाल दिया गया, जिस बाप का घर तो उसे निकाल दिया गया, रजिस्ट्री बाप के नाम थी, मालिक मकान का मालिक मकान बाप था, आज उसे घर से धक्के दे करके निकाला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। घर में जब झगड़ा होता है, बीवी कहती है या तो तुम अपनी माँ की खिदमत करो, या तो तुम अपनी माँ को रखो, बाप को रखो, या मुझको रखो, एक फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब बूढ़ा बाप ये बात सुनता है अपनी बहू की, बेटे से कहता है, लाल तू अपना घर बर्बाद मत कर, तेरी बीवी अगर कहती है मुझे रखो या अपने माँ बाप को रखो, तो बीवी से कह दे बेटे उसे निकलने की जरूरत नहीं है, हम दोनों खुद निकल करके चले जा रहे हैं, ये माँ बाप है कितना प्यार करते हैं हमसे। अर्ज कर रहा था उस नौजवान ने अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया, माँ की जिंदगी गुजरती रही। जब आखिरी वक्त आया, इंतजामिया ने फोन किया, इसके पास फोन पहुंचा, इससे कहा इंतजामिया ने, आओ अपनी माँ से मुलाकात कर लो, तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें याद किया है। ये थोड़े थोड़े वालिदा के पास पहुंचा, जाकर के अपनी माँ से कहा था, माँ अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। इसकी वालिदा ने कहा था, बेटे हाँ हाँ मरने से पहले ख्वाहिश है, उसको पूरा कर सकते हो तो कर दो। बेटे ने कहा था, अम्मी जान क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? तो बूढ़ी औरत ने कहा था, बेटे ये जो ओल्ड हाउस में इस ओल्ड हाउस है इसमें पंखे नहीं है, पंखों का इंतजाम कर दे। बेटे जब मई जून की गर्मी आती है यहाँ पे ये बूढ़े माँ बाप तड़पते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने कहा था, अम्मी मैं नए पंखों का इंतजाम करवा दूंगा, लटकवा दूंगा छत में, लेकिन एक बात तो बता, इससे तुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है, इससे तुझे तो कोई फायदा नहीं है, तू तो अब दुनिया को अलविदा कह रही है, तेरी तो मौत का वक्त है। अगर पंखे लगवाना था तो थोड़ी पहले फोन कर दा, ताकि इनकी हवा तू भी ले लेती, ताकि इसके फायदा तुझे भी पहुंचाता। तो माँ को देखो, माँ जो देखती है वो बेटा।
माँ कितना प्यार करती है। माँ ने कहा था बेटे ये पंखे मैंने अपने लिए नहीं बल्कि ये पंखे तेरे वास्ते लगवाना है, ये पंखे तेरे लिए मैं इंतजाम करना चाहती हूँ। कहा क्या मतलब? कहा बेटे जैसे तूने मुझे घर से निकाला है मुझे ये खदशा अंदेशा है, डर है कहीं बुढ़ापे में तेरी औलाद भी तुझे ना निकाल दे। इसलिए कि मैंने सुना है जो माँ बाप की चारपाई को घर के बरामदे से सहन में फेंकते हैं उनकी औलाद उनकी चारपाइयां सहन से निकाल के रास्तों में फेंक दिया करती हैं, उनके बिस्तर रास्तों में फीका करते हैं। बेटे मुझे डर है कहीं तेरी औलाद भी तुझे यहाँ लाके न छोड़ दे। ओ लाल मैं तो कब्र में होंगे और जब तुम मई जून की अल्लाह अकबर जुलाई की गर्मी में यहाँ तड़पेगा तो तेरी माँ को कब्र में भी सुकून नहीं आएगा, वहां तेरी माँ को कब्र में भी करार नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला से डरा करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, अपनी माँ के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। जोर से बोलो अपनी माँ के साथ भी हुस्ने सुलूक से पेश आओ। और मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। जोर से बोलो कैसी करो? अच्छी तरबियत करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। दीन खुदा की कसम जब बच्चों के पास दीन होगा ना वो तुम्हें घर से धक्के दे के नहीं निकालेंगे बल्कि तुम्हारे हाथ चूमेंगे, तुम्हारी दस्तबोसी करेंगे। इन्हें मालूम है बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और ये माएँ अपने बच्चों को बहुत बिगाड़ती हैं, बड़ी नफरतें देती हैं अपने मतलब क्या है शोहर की तरफ से, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया ये वो। ओ कान खोल करके सुन ले, तेरी जन्नत जो है ना तेरे बच्चों की जन्नत तेरे कदमों के नीचे है। और जिस शोहर की तू बुराई करती है ना, जिसको तू रिस्पेक्ट इज्जत नहीं करती, तेरी जन्नत उसी के कदमों के नीचे है। जब तक तेरा शोहर तुझसे राजी नहीं होगा ना तो अल्लाह भी तुझसे राजी नहीं होगा। अपने बच्चों के दिल में शोहर की नफरत मत डाला कर, अपने शोहर की मोहब्बत डाला कर, अपने शोहर का प्यार डाला कर, ताकि तेरे शोहर तेरे बच्चे तेरे शोहर की इज्जत करेंगे वो तेरी भी इज्जत करेंगे। इतना इतना चढ़ा देती बच्चों को, इतना जहर घोलती बच्चों के कानों में। वो बच्चे जब बड़े होते हैं ना पहले चचा से झगड़ा करेंगे, पहले चचा से करेंगे, ताया से करेंगे, चचा जात कजिन भाई से करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। इतना जहर घोल दिया माँ ने, इतना जहर घोल दिया मियाँ, सारा खानदान उसे बचता है, सारा खानदान उसे मतलब क्या है बेजार है, किसी को छोड़ते नहीं, सगे चचा को गालियां दे रहे, ताया से लड़ रहे, जहर घोला है इस माँ ने। और जब चचा ताया सब एक्सपायर हो गए खत्म हो गए ना तो माने तो जहर घोला था, उन्हें लड़ाकू बनाया था, लड़ाकू जंगजू बनाया था, अब चचा ताया तो रही ना, अब आपस में लड़ रहे, अब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, समझ नहीं, अब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। खुदा की कसम अगर चाहती हो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कदमों को चूमे तो इन्हें दीन दो। क्या दो? जोर से बोलो इन्हें दीन दो, इन्हें हाफिज़े कुरान बनाओ, ताकि तुम्हारे जनाजे जब उठें और नमाज़े जनाजा की बात आए कोई और नहीं तेरा बेटा तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाए, तुझ पे खुदा की रहमत हो। और जब तुम्हें कब्र में अल्लाह अकबर दफन कर दिया जाए काली कोठरी में, सब वापस आने लगे, तेरा बेटा लायक हो तेरी कब्र के सरहाने महल पे कुरान सजा करके बैठ जाए और सूरतुल बकरा की तिलावत कर दे, रब को रहमान कह करके पुकारेगा, रहीम कह करके पुकारेगा, रब फरमाएगा फरिश्तों मैंने इसके बाप को भी बख्श दिया इसकी माँ को भी बख्श दिया। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह बड़ा गुनाहगार है, रब फरमाएगा देखो मैंने इसके गुनाहों को नहीं इसकी कब्र के सरहाने जो इसका बेटा बैठ के मुझे रहमान और रहीम पुकार रखा है, मैंने इसके बेटे की जबान पे अपने आप को रहमान देखा है रहीम देखा है इसका, जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कहकर के पुकारे रहीम कहकर के पुकारे। फरिश्तों मुझे हया आती है मैं उसे अजाब दो, फरिश्तों मेरी रहमत को जोश आया, मेरे दरियाए बहरे बैकरा में जोश आया, मैंने इसके बेटे की अदाओं को देख के इसके माँ बाप को बख्श दिया। ओ लोगो खुदा की कसम ये कुरान का पावर है, अपने बच्चों को कुरान दो, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की मोहब्बत दो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हारे बच्चे जब बोलने लगे तो उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सिखाओ, अपने बच्चों को अदब सिखाओ और कान खोल करके सुन लो। तीसरी चीज अपने बच्चों को अहले बैत की आले रसूल की मोहब्बत दो, अपने बच्चों
बच्चों को मोहब्बत दो आले रसूल की, खुदा की कसम इनकी मोहब्बत सिखाओ, आले रसूल की मोहब्बत अपनी औलाद को दे करके जाओ। मैं तुमसे कह करके जाना चाहता हूँ, ये कुरान का पावर है, कुरान का पावर। अल्लाह अकबर कबीरा, ये डॉक्टरी, ये मास्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्रियां, डिग्री होल्डर जो तुम्हें नजर आते, इनका पावर जमीन के ऊपर चलता है, लेकिन हाफिज कुरान का पावर जमीन के अंदर कब्र में भी चला करता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को दीन दे करके जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ, और तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी जात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफनाया जाए। शेख सादी फरमाते हैं, बेनमाजी को उधार तक न दो। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, बेनमाजी से खिंजीर भी पना मांगता है। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, बादशाह इस्लाम बेनमाजी को अरेस्ट करके जेल में डाल दे, कैद खाने में डाल दे, जब तक वो तोबा न करे तो उसे जमानत न दे। ये औलिया अल्लाह है। जिंदगी में नमाजें हैं तो बहार हैं, जिंदगी में सजदे हैं तो बहार हैं। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं वो मेरी बात मान सकते हैं, मान लेंगे? ये जो जगह खाली इधर को आ जाओ, अब तो कोई नहीं आने वाला। महफिल के जो दूल्हा हैं वो तशरीफ ले आए। पीरे तरीकत रहबरे राग़े शरीयत हजरत अल्लामा हुजूर सुहेले मिल्लत हुजूर सुहेल मियां साहब कुदरत तशरीफ ला चुके हैं। अब किसका इंतजार है? वो जो पीछे वाले वो भी थोड़े करीब हो जाए, ठीक है ना? हजरत तशरीफ लाएंगे, और हमारे सलमान साहब कुदरत तशरीफ फरमा है जिस तरह वो तो लीजिए हजरत, टाइम भी काफी हो चुका है और मौसम की नजाकत भी आप देख रहे हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह हुजूर सुहेलमिया साहब कुदला के फैजान से आप सबको माला माल फरमाए। तो मैं गुजारिश करता हूँ आप तमाम हजरात से कि हजरत जो वाज़ो नसीहत फरमाएंगे उन नसीहतों को सुने, और जब हजरत मुरीद करें ना तो मुरीद हो जाना, समझ रहे हैं आप? मुरीद हो जाए आप, खुदा की कसम ये गोल्डन चांस तुम्हारे हाथों में है। ये ऐसी ऐसी हस्तियां, बड़ी मेहनत होती है, मसरूफ हस्ती है, मैं जानता हूँ पूरे भारत में, अल्लाह अकबर कबीर, हिंदुस्तान के बाहर भी हजरत जाते हैं। ये तो खुश नसीबी है आपकी कि आपकी बस्ती में आज तशरीफ लाए हैं। मैं उन नौजवानों को, उन बुजुर्गों को, उन उलमा को मुबारकबाद पेश करूंगा जिन्होंने हजरत के लिए इतनी काविशें की, और हजरत ने अपना कीमती वक्त दिया। औलाद रसूल जिगर गोशे बतूल, आपकी आंखों के सामने तशरीफ फरमा है। अब हजरत जो भी नसीहत फरमाएंगे उस दिल की तख्ती पर लिख के लेकर के जाना। अल्लाह अकबर कबीरा, इससे आगे अब कोई आपका बहाना नहीं चलेगा, हमारे पास दीन नहीं पहुंचा। मेरे नबी फरमाएंगे, मेरा बेटा सुहेल तुम्हारे पास दीन लेकर के आया था, उसने दिया पैगाम, तुमने सुना क्यों नहीं? सुनने सुनना, सुन के अमल भी करना। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, मेरे आवाज के साथ अपनी आवाज को मिला लीजिए और नारा लगा लीजिए, बुलंद आवाज के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, जोर से बोलो, जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक बोलो या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का, आप अदरा से गुजारिश है जो हमारे भाई पीछे हैं और थोड़े करीब इधर हो जाएं। ये कपड़ा आपके सामने आ रहा है, समझ रहे हैं? जो किसी से मुरीद नहीं है, आज हजरत जो कलिमात पढ़ाएंगे वो कलिमात पढ़ेंगे, जो जो